डाउनलोड कीजिएमेंटो एजुकेशन एन टी एट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी एनी टाइम स्टडी एनी वेयर हेलो स्टूडेंट्स वी है लास्ट वीडियो And we have studied about the instantaneous output current. Now, in this video, we will again study full wave rectifier and we will study about the remaining parameters of full wave rectifier. So, today we will study first about the DC output current. In the last video, we have studied two points about the full wave rectifier, and now the point number three is DC output current. So, basically, DC output current. हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए हमने सेम थिंग हाफ योर में भी कैलकुलेट की हुई है सबसे पहले हमने आउटपुट करंट कैलकुलेट की थी उसके बाद फिर हमने डीसी आउटपुट करंट का कैलकुलेशन किया था तो बेसिकली जो डीसी आउटपुट करंट का इक्वेशन है आई डी सी वो होता है आपका वन अपॉन टू पाई जीरो से टू पाई आई टी ऑफ ओमेगा टी ठीक है और जो आई टी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है लास्ट वीडियो में आई टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है आई एम साइन ओमेगा टी फॉर जीरो टू ओमेगा टी टू पाई एंड माइनस आई एम साइन ओमेगा टी फॉर पाई टू ओमेगा टी टू टू पाई तो ये हमने आईटी की वैल्यू का एनालिसिस किया हुआ है इंस्टेटेनियस आउटपुट करेंट का नाउ हमें इस इक्वेशन का यूज करके आईडीसी कैलकुलेट करनी है तो यहां पर जो आई डी सी की वैल्यू होगी अपॉन पाई देन आप देख सकते हैं कि जीरो से पाई तक आई टी की वैल्यू डिफरेंट है पाई से टू पाई तक आई टी की वैल्यू डिफरेंट है तो हम यहां पर लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं जीरो टू पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी एंड देन वन बाई टू पाई पाई से टू पाई और यहां पर आप देखेंगे तो माइनस आई एम साइन ओमेगा टी है तो माइनस आई एम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी क्लियर अच्छे से बस अब हमें इंटीग्रेशन यहां पर परफॉर्म करना होगा और हमें आई डी सी की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी तो आई डी सी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी वन अपॉन टू पाई अगर आप यहां पर देखेंगे तो जीरो से पाई के बीच में जो आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है वो करना है im साइन ओमेगा टी का तो im तो आपका कॉन्स्टेंट है आउटसाइड हो जाएगा एंड इसके बाद जो साइन ओमेगा टी है तो उसका जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ही करना है तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका माइनस टी ठीक है ओमेगा के रेस्पेक्ट में हमने यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया अब यहां पर अगर आप लिमिट्स देखेंगे तो लिमिट्स आपकी क्या है जीरो से पाई तो यहां पर जो सेकेंड इंटीग्रेशन है पहले हम परफॉर्म कर लेते हैं फिर यहां पर हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो सेकेंड इंटीग्रेशन है वन अपॉन टू पाई देन माइनस आई एम ये आपका आउटसाइड हो जाएगा आप देख सकते हैं एंड इसके बाद जो साइन ओमेगा टी है उसका इंटीग्रेशन वापस से हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी और लिमिट हो जाएगी आपकी पाई से लेकर टू पाई तक क्लियर अच्छे से नाउ अब आपको यहां पर आईटीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है तो यहां पर जैसे ही आप लिमिट्स पुट करेंगे कॉस ओमेगा टी में तो आप देख सकते हैं एक है लिमिट आपकी पाई और एक है जीरो और यहां पर भी कॉस ओमेगा टी में एक लिमिट है आपकी पाई और एक लिमिट है टू पाई तो यहां पर हम लिमिट्स पुट कर देते हैं और आईडीसी की वैल्यू निकाल देते हैं तो आईडीसी इज इक्वल टू यहां पर जो आपका आई एम है वो आउटसाइड है साथ ही साथ आपका टू पाई भी आउटसाइड है और यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन को हम आउटसाइड ले लेते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी में तो जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे पाई तो क्या होगा माइनस वन लोअर लिमिट माइनस वन अगेन एंड देन अगर आप यहां पर देखेंगे तो माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस एम अपॉन टू पाई एंड देन अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे तो टू पाई टू पाई मींस कॉस टू पाई क्या होगा वन एंड देन कॉस पाई कॉस पाई होता है माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस अगेन तो यहां पर जो आई डी सी की वैल्यू है वो हो जाएगी देख सकते हैं आप माइनस टू और माइनस साइन कैंसल तो यहां पर आपका टू और टू कैंसल होगा तो ये बचेगा आईएम अपॉन पाई प्लस आईएम अपॉन पाई तो ये आंसर आ जाएगा टू आई एम अपॉन पाई तो ये होती है आई डी सी की स्टैंडर्ड वैल्यू तो इस तरीके से हम यहां पर आई डी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डीसी आउटपुट करेंट नाउ नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है आई आर एम एस का जो फॉर्मुला हमने स्टडी किया हुआ है हाफ योर फायर में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहां पर भी एप्लीकेबल होगा तो आई आर एम एस का हमारा जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट वन अपॉन टू पाई देन इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई आई स्क्वायर टी डी ऑफ ओमेगा टी क्लियर सो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का यूज करके अब हमें यहां पर आई आर एम एस कैलकुलेट करना है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी आपको आई का यूज करना है और आई की वैल्यू आपने यहां लिख रखी है आप देख सकते हैं तो इस आई की वैल्यू को यहां पर आपको यूज करना होगा तो हम यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आई आर एम एस अंडर रूट तो यहां पर भी हमें लिमिट्स ब्रेक करनी होगी तो वन अपॉन टू पाई देन जीरो से पाई आई स्क्वायर है आपको ध्यान देना होगा आई स्क्वायर टी मीन आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा प्लस वन अपॉन टू पाई अगेन अब आपकी लिमिट कहां से कहां होगी पाई से टू पाई एंड देन अगेन आईएम स्क्वायर देखिए है तो माइनस आईएम साइन ओमेगा टी लेकिन चूंकि स्क्वायर हमें करना है तो हम लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी देन आई आर एम एस की जो वैल्यू है आपकी देखिए ये ये जो स्क्वायर है, ये तो आपका इस पोजीशन पर भी है और इस पोजीशन पर भी है दोनों जगह कांस्टेंट है तो ये तो आप कॉमन ले लीजिए अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो आंसर क्या बचेगा आई एम एंड जो टू पाई है वो भी दोनों जगह है उसे भी आप आउटसाइड ले लीजिए अंडर रूट टू पाई ठीक है ना अंडर रूट में आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है टू पाई का अब आप देखिए यहां पर जो रिमेनिंग चीजें हमें कैलकुलेशन करनी है वो आप देखिए जीरो से पाई तक जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें है साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए वन माइनस कॉस थीटा बाई तो यहां पर हम लिख देंगे वन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू ऑफ ओमेगा टी सिमिलरली अगेन जो पाई से टू पाई तक का हमारा इंटीग्रेशन है उसपे भी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है आपका तो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू ठीक है डी ऑफ ओमेगा टी नाउ ये जो आपका आई आर एम एस है आई एम अपॉन अंडर ओ टू पाई अब यहां पर आप ध्यान से देखिए जो वन का इंटीग्रेशन आपका होगा वन का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ओमेगा टी ठीक है और कॉस टू ओमेगा टी का क्या हो जाएगा आपका साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू क्योंकि यहां एक्स्ट्रा है ना ओमेगा टी का तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जो टू है उसके कारण डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टू आ जाएगा और एक चीज और यहां पर आप देखिए जो ये टू है डिवाइड में पहले से जो प्रेजेंट है वो दोनों में है तो इसे आप आउटसाइड कर दीजिए इंटू टू क्लियर so, सो यहां पर अंडर रूट के अंदर आप देखिए क्या होगा ओमेगा टी माइनस कॉस टू ओमेगा टी का साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू ये लिमिट कहां से कहां होगी जीरो से पाई एंड प्लस अगेन यहां पर आपका वन का हो जाएगा ओमेगा टी देन माइनस साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू और ये लिमिट होगी आपकी पाई से लेकर टू पाई तक क्लियर अच्छे से अब हमें यहां पर ये कैलकुलेशन करना होगा लिमिट्स फुट करनी है बेसिकली तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो आपका टू आपने बाहर किया है ये भी आपका अंडर रूट में ही बाहर होगा क्योंकि ये जो टू है आपका ये अंडर रूट के अंदर है ठीक है तो अंडर रूट टू अंडर रूट टू तो टू हो जाएगा आपका तो ये क्या बचेगा पाई, ठीक है? तो आउटसाइड पहले लिख दीजिए आप आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन टू अंडर रूट पाई एंड अंडर रूट के अंदर देखिए लिमिट कर लेते हैं तो

वैसे ही जब आप लिमिट पुट करेंगे जीरो तो साइन जीरो भी क्या होता है जीरो सेम जब आप इस साइड पुट करेंगे सेकेंड वाले में तो साइन टू ओमेगा टी है तो अगेन जब आप टू पाई पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन फोर पाई और यहां पर आप देख सकते हैं जब आप पाई पुट करेंगे तो क्या होगा साइन टू पाई तो हमेशा जो आपका टर्म है जो आपका आंसर है वो क्या होगा जीरो ही होगा तो यहां पर जो आपके वैल्यूज बचेंगी यहां पर भी जो ओमेगा टी है आप देखिए ओमेगा टी में टू पाई पुट करेंगे फिर पाई पुट करेंगे तो टू पाई माइनस पाई कितना बचेगा आंसर पाई तो यहां पर एक पाई आपका यहां पर बचेगा और एक पाई आपका यहां पर तो पाई प्लस पाई कितना बचेगा टू पाई तो यहां पर आप लिखेंगे टू पाई तो आई आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू अगर देखेंगे तो पाई यहां पर है और अंडर भी है तो अंडर उन्सल और टू और रूट टू कैंसल होगा तो क्या बचेगा आई एम अपॉन रूट टू तो ये आपकी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आरएमएस आउटपुट करेंट की तो ये हमारा पॉइंट नंबर फोर नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव जो आपका है वो है आर एम एस ए सी आउटपुट करेंट जैसा हमने हाफ रियक्टिव में भी कैलकुलेट किया है तो आर एम एस एसी आउटपुट करेंट मीनस आपको कैलकुलेट करना है यहां पर आई डैश आर एम एस तो यहां पर हमें पता ही है कि आई डैश आर एम एस का मतलब क्या होता है देखिए आई डैश आर एम एस का जो मीनिंग है जैसा हमने हाफ योर रेक्टिफायर में भी फॉर्मुला डेवलप किया हुआ है यह होता है आपका आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी ठीक है देखिए एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है कि जो भी आपकी आउटपुट करंट होती है उस पर एसी पार्ट भी होता है और डीसी पार्ट भी होता है ठीक है तो जो ए पार्ट होता है अगर आप सिर्फ उसकी आर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है आपका आई डैश आर तो आप क्या करते हैं टोटल आरएमएस वैल्यू में से आप आई स्क्वायर डीसी ठीक है ये आप माइनस करते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं बेसिकली होता क्या है कि जो टोटल आर एम एस वैल्यू है आई स्क्वायर आर एम एस ये आपकी होती है आई डैश स्क्वायर आर एम एस प्लस आई स्क्वायर डीसी ये आपकी होती है टोटल आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर ठीक है तो ये जो आर एम एस वैल्यू है टोटल आई स्क्वायर आर एम एस इसमें बेसिकली आपका एसी पार्ट का भी आर एम एस है और डीसी पार्ट का भी आर एम एस है क्लियर पर आपको क्या निकालना था यहां पर एसी पार्ट का तो एसी पार्ट का क्या करेंगे क्योंकि डीसी मीन कॉन्स्टेंट वैल्यू ठीक है तो यहां पर जो आई डैश आरएमएस का आपका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा देखिए आपने कैलकुलेशन क्या क्या कर लिया है आई स्क्रएमएस का कैलकुलेशन कर लिया है आई आर एम एस की वैल्यू क्या है आई एम बाई रूट टू तो ये क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर अपॉन टू नाउ नेक्स्ट आपने कैलकुलेशन किया है आई स्क्वायर डीसी का तो आई स्क्वायर डीसी हमारा क्या होगा देखिए आई स्क्वायर डीसी हमने आई डी सी कैलकुलेट किया है टू आई एम अपॉन पाई तो आई स्क्वायर डीसी क्या हो जाएगा फोर आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर डीसी तो आप यहां पर चाहे तो आईएम कॉमन ले सकते हैं और सारी वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं आई डैश आरएमएस लिख लेता हूं देखिए आप आई डैश आर एम एस आपका कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर जो एम है एम स्क्वायर है तो आई एम कॉमन आ जाएगा तो आई एम जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहां पर बचेगा अंदर में वन बाई टू माइनस फोर अपॉन पाई का स्क्वायर ठीक है तो इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए और एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर आप निकाल सकते हैं आई डैश आर एम एस की तो अगर आपको याद हो हमने हाफ एक्टिव फायर में भी सबसे पहले हमने डीसी आउटपुट करंट कैलकुलेट की थी देन आर आउटपुट करंट देन आर एम आउटपुट करंट एंड इन सब का यूज करके हमने एक फैक्टर पढ़ा था दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर तो यहां पर अब रिपल फैक्टर क्या होता है तो पॉइंट नंबर सिक्स रिपल फैक्टर तो बेसिकली रिपल फैक्टर अगर आप यहां पर कैलकुलेट करने जाएंगे तो रिपल फैक्टर का फॉर्मुला क्या होता है आई डैश आर एम एस दैट मीन्स एसी वैल्यू ठीक है ना आर एम एस आउटपुट करेंट डिवाइडेड बाय आई डी सी तो आईडीसी देखिए यहां पर हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं तो अगर हम यहां पर दोनों की दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो आई एम अंडर रूट वन बाई टू माइनस फोर अपॉन पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आई डी सी तो आई डी सी की वैल्यू क्या है टू आई एम अपॉन पाई तो आई एम और आईएम कैंसल तो यहां पर जब आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो जो रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली वो आती है जीरो पॉइंट फोर एट तो जीरो पॉइंट फोर एट ये वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी और रिपल फैक्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हाफ योर में जो रिपल फैक्टर है वो काफी बड़ा आया था इसके कंपैरिजन में अप्रोक्सिमेटली 1.2 आया था बेसिकली रिपल फैक्टर यहां पर लेस है ये क्या शो कर रहा है ये इस पॉइंट को शो कर रहा है कि आपका जो एसी कंपोनेंट है फिल्टर के आउटपुट में या जो आप रिएक्टिव फायर अभी फिलहाल आप रिएक्टिव फायर यूज कर रहे हैं फिल्टर इसके बाद यूज करेंगे तो जो रिएक्टिव फायर के आउटपुट में जो आपका एसी कंपोनेंट है उसके कंपेरिजन में जो डीसी कंपोनेंट है वो आपका काफी उसकी डोमिनेंस ज्यादा है वो काफी ज्यादा है उसके कंपेरिजन में ठीक है तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही डीसी फैक्टर की डोमिनेंस ज्यादा शो होगी जो कि डिजायर्ड है जो आपको चाहिए रिएक्टिफायर के आउटपुट पे ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया आपका एज कंपेयर टू हाफ वेव रिएक्टिफायर नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सेवन सो पॉइंट नंबर सेवन में हमें कैलकुलेट करना है इनपुट पावर पी इन जैसा हमने हाफ वेव रिएक्टीफायर में भी कैलकुलेट किया था ठीक है तो पी इन कैलकुलेशन के लिए हमें यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए वोल्टेज की वैल्यू चाहिए करंट की वैल्यू चाहिए फ्रॉम जीरो टू पाई एंड पाई टू टू पाई तो करंट की वैल्यू तो हमने अभी लास्ट बहुत सारे स्टेप्स में यूज की है और जो वोल्टेज है वो हमने लास्ट वीडियो में यूज की थी वैल्यू वोल्टेज की तो वी एक्स हम लोगों ने स्टडी किया था वी एम साइन ओमेगा टी ये था आपका जीरो टू पाई और वी वाई था हमारा माइनस वी एम साइन ओमेगा टी ये था हमारा पाई से लेकर टू पाई तक तो यहां पर जो आपका इनपुट पावर होगा पी इन, तो इनपुट पावर की जो वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यहां पर बनेगा आपका वन अपॉन टू पाई देन आप देखिए जीरो से पाई तक आपका वी एक्स अलग है पाई से टू पाई तक वी वाई अलग है ठीक है उसके बाद अगर आप करंट की वैल्यूज की बात करते हैं तो जो करंट की वैल्यूज हैं आपकी वो जीरो से पाई तक आपकी होती है आईएम साइन ओमेगा टी पाई से टू पाई तक होती है माइनस आई एम साइन ओमेगा टी तो हम यहां पर लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं पहली लिमिट हमारी हो जाएगी जीरो से पाई वी एक्स इंटू आई टी डी ऑफ ओमेगा टी देन पाई से टू पाई और यहां पर आपकी हो जाएगी वी वाई आई टी और अगेन डी ऑफ ओमेगा टी तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है वन अपॉन टू पाई अब आप देखिए जो वी एक्स की वैल्यू है वो तो वीएम साइन ओमेगा टी है आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर और जो आई टी की वैल्यू है वो हमारी है आई एम साइन ओमेगा टी ठीक है और यहां पर जो आपकी लिमिट है जीरो से पाई डी ऑफ ओमेगा टी नाउ नेक्स्ट आपका पाई से 2 पाई से तो जब आप पाई से टू पाई तक जाएंगे यहां पर तो अगेन वीवाई कितना हो जाएगा वीवाई हो जाएगा माइनस वी एम साइन ओमेगा टी और आई टी भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देन अगेन वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ऑफ ओमेगा टी तो यहां पर आपने वैल्यूज पुट कर दी और अगर आप वैल्यूज देखेंगे तो दोनों में ही बिल्कुल सेम है आपकी जीरो से पाई में भी और पाई से टू पाई में भी तो यहां पर जो पी इन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी देखिए वन अपॉन टू पाई देन यहां पर अगर आप देखेंगे जीरो से पाई वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा तो यहां पर देखिए अगर हम चाहें तो हम वीएम की वैल्यू पुट कर सकते हैं वीएम की वैल्यू हमने क्या स्टडी कर रखी है Im RF RL. तो अगर आप वीएम की यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो इसे आप लिख सकते हैं जीरो से पाई ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल देन ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी सेम बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम होगा आपका पाई से टू पाई के बीच में आप अगेन वी एम की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आई एम स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी तो यहां पर जो आपने वैल्यूज पुट कर दी उसके बाद ये जो आर एफ प्लस आर एल है ये आपका कॉन्स्टेंट है तो इसे आउटसाइड कर दीजिए आर एफ प्लस आर एल डिवाइडेड बाय टू पाई और अगर यहां पर ध्यान से अब देखेंगे आप तो आई एम स्क्वायर भी आपका कॉन्स्टेंट है ठीक है लेकिन यहां पर आईएम साइन ओमेगा टी जो है ठीक है उसका स्क्वायर आप कर रहे हैं जीरो से पाई और फिर आई एम साइन ओमेगा टी अगेन स्क्वायर है इंटीग्रेशन के अंदर पाई से टू पाई तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझेंगे तो ये जो फॉर्मूला था आपका जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है जीरो से पाई आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई से टू पाई माइनस आईएम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा टी ठीक है ना माइनस का स्क्वायर भी आपका प्लस हो जाएगा तो अगर मैं इस तरह से अरेंज करूं और बाहर अगर आप डिवाइड बाय टू पाई देखें तो ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है आपका अगर आप आर एफ प्लस को छोड़ दें वन बाई टू पाई और ये जो ब्रैकेट में आपका फॉर्मुला लिखा है जो आपने आई आर एम एस कैलकुलेट किया था बेसिकली जो आपने आई स्क्वायर आर एम एस कैल्कुलेट किया था एग्जैक्टली exactly आपका सेम फॉर्मूला है तो ये फॉर्मुला आपका है आई स्क्वायर आर एम एस का ठीक है ना जब आपने आई आर एम एस कैलकुलेट किया था तो आपने अंडर रूट लिया था तो उसमें आपने यही किया था जीरो से पाई रूट के अंदर ठीक है और वन बाई टू पाई तो आपका था ही लेकिन रूट के अंदर आपका क्या था आई एम साइन ओमेगा के बीच में तो ये एग्जैक्टली आपका फॉर्मुला आ गया आई स्क्वायर आर एम एस का तो यहां पर जो पी इन है आपका वो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल और यही आपका फॉर्मूला आया था इन केस ऑफ हाफ इनकेसर तो हाफ पे और exactly यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे अफिशियंसी जो हमने हाफ वेव एक्टिफायर में भी कैलकुलेट की थी तो जो अफिशियंसी हमारी होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका देखिए आपने जो यहां पर पी इन निकाला है तो वो जो पी है वो आपको क्या दे रहा है एसी पावर और अगर आप डीसी आउटपुट पावर का यूज कर लें यहां पर तो डीसी आउटपुट पावर जो कि आपको आउटपुट साइड मिलने वाला है डिवाइडेड बाय जो पी आपने कैलकुलेट किया है ठीक है तो आपने एवरेज वैल्यू जो पावर की आपने यहां पर निकाली है आप देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर तो डीसी आउटपुट पावर आपका क्या होगा डीसी आउटपुट पावर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर डीसी सी आर एल और जो आपने पी इन कैलकुलेट किया है वो आपका आया है आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आई सी की वैल्यू भी आपको पता है आई आर एम एस की वैल्यू भी आपको पता है आईटीसी जो आपने कैलकुलेट किया है फुल वेव रिएक्टिफायर केस में वो है टू आई एम अपॉन पाई और आई आर एम एस आपने कैलकुलेट किया है आई एम अपॉन रूट टू तो हम यहां पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो यहां पर जो ईटा हो जाएगा आपका देखिए आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल ये तो आउटसाइड हो जाएगा आई डी सी की वैल्यू टू आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर एम एस दैट मीनस आई एम अपॉन रूट टू का स्क्वायर तो आप देख सकते हैं आई एम और आईएम आपका कैंसिल हो जाएगा तो ईटा की वैल्यू आएगी आर एल आर एफ प्लस आर एल और यहां पर आप देखेंगे तो आपका बचेगा फोर और रूट टू का स्क्वायर टू और ये भी ऊपर चला जाएगा तो एट अपॉन पाई स्क्वायर ठीक है तो इस एट अपॉन पाई स्क्वायर को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग आपका पॉइंट एट वन के आसपास आता है तो 0.81 पॉइंट एट वन आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल तो यहां पर अगर हम आइडियल केस ले लें ठीक है तो आइडियल केस मीन्स हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में जो आर एफ है वो क्या है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ठीक है आइडियल सिचुएशन में डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट होता है दैट मीन्स आर एफ क्या होता है जीरो होता है तो अगर हम आइडियल केस कंसीडर करते हैं तो आइडियल केस में आप क्या लेंगे आपका जो आर है वो जीरो है तो जो है वो कितनी हो जाएगी? अफिशियर कैंसिल हो जाएगा दैट मीनस इन परसेंटेज आप क्या लिख सकते हैं एटी वन परसेंटेज तो ये जो एफिशिएंसी आपने निकाली है ये क्या है मैक्सिमम क्योंकि अगर आर एफ प्रेजेंट रहेगा तो पॉइंट एट वन से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्लियर अच्छे से तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे फुल वेव रिएक्टिफायर की एफिशिएंसी को मैक्सिमम एफिशिएंसी को तो हाफ वेव रिएक्टिफायर के कंपैरिजन में जस्ट डबल है आपकी ठीक है ना तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है आपका एफिशिएंसी एज कंपेयर टू हाफ वेव रिएक्टिफायर क्लियर अच्छे से नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर नाइन तो पॉइंट नंबर नाइन में आपको अब आप कैलकुलेट करना है डीसी डायोड वोल्टेज तो वी डायोड डीसी तो यहां पर जो वी डायो डीसी होता है हमारा वो होता है आपका एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ठीक है तो अगर आपको यहां पर डीसी डायोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो यहां पर हम दो डायोड में से कोई भी डायोड अज्यूम कर सकते हैं तो यहां पर मैं डायोड डी वन एज्यूम करूंगा डायोडी वन के अक्रॉस यहां पर डीसी डायोड वोल्टेज का कैलकुलेशन मैं करूंगा और मैं यहां पर एक फिगर बना देता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में भी ड्रॉ किया था और मैं यहां पर फिगर उतना ही बनाऊंगा जितना हमें नीड है ठीक है तो फुल वेव रिएक्टिफायर का जो आइडियल फिगर था हमारा वो यहां पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं तो यहां पर आपकी सेंटर टेप वाइंडिंग होती है और यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं डायोड डी वन को फॉर डी सी डायोड वोल्टेज कैलकुलेशन यहां पर भी प्रोसेस आपका सेम होगा जैसा हमने हाफ वेव रिएक्टिफायर में कैलकुलेशन देखा था तो यहां पर देखिए आप अगर आपको डायो D1 को कंसीडर करना है इसका मतलब डायो D2 क्या होना चाहिए डायो D2 आपका होना चाहिए फॉरवर्ड बायस तो डायो D2 हमारा फॉरवर्ड बायस कब होता है डायो D2 हमारा फॉरवर्ड बायस होता है पाई से टू पाई के बीच में हमने यही साइकिल स्टडी कर रखी है इसका मतलब आपको यहां पर पाई से टू पाई के बीच में एनालिसिस करना है ठीक है हम यहां पर वोल्टेजेस भी शो कर देते हैं तो हमारा वोल्टेज क्या होता है प्लस माइनस वी और यहां पर होता है प्लस माइनस वी क्लियर सो so, पाई से टू पाई की हमें यहां पर साइकिल कंसीडर करनी है पाई टू ओमेगा टी टू टू पाई. So, यहाँ पर हमें पता ही है कि डायोड डी वन क्या होगा आपका रिवर्स बायस तभी तो आप उसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और डायोड डी टू क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस आपको यह समझना होगा आपको डीसी डायोड वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है तो फॉरवर्ड बायस में तो वोल्टेज जीरो होगा अगर आप डीसी डायोड वोल्टेज का कैलकुलेशन चाहते हैं तो आपको रिवर्स बायस में ही करना है क्लियर सो यहां पर अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो आप देखिए केवीएल यहां पर किस तरीके से लगेगा आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो डायोड डी वन है इसके अक्रॉस हम वी डायोड शो कर देते हैं सो वी डायोड तो प्लस माइनस मैंने यहां पर शो कर दिया तो यहां पर अगर आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो आप देखिए ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो आप किस तरीके से लगाएंगे देखिए माइनस वी एक्स प्लस वी डायोड प्लस वी वाई ठीक है आप क्लॉकवाइज घूम जाइए तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप ग्राउंड से स्टार्ट करिए तो पहला साइन कौन सा पड़ रहा है माइनस वी एक्स देन प्लस वी डायोड प्लस वी वाई तो यहां पर आप लिख दीजिए माइनस वी एक्स प्लस वी डायोड Plus vy 0 तो यहां से जो आपका v डायोड है वो कितना हो जाएगा vx minus vy तो यहां से जो v डायोड है आपका वो हो जाएगा 2vm sin omega t ठीक है ना vx की वैल्यू आपकी vm sin omega t होती है और vy की वैल्यू -vm sin omega t होती है तो इसका मतलब क्या है अगर आप डायोड d1 की बात करते हैं तो हम यहां पर पूरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं देखिए फॉर डायोड d1 v डायोड तो डायोडी वन के लिए जिस तरीके से आपका फॉरवर्ड बायस मिला था जीरो से पाई के बीच में तो वोल्टेज जीरो था सिमिलरली डायो डी टू के लिए फॉरवर्ड बायस आपका मिलता है पाई से टू पाई के बीच में तो वहां पर आपको पाई से टू पाई में जीरो मिलेगा और जीरो से पाई में टू वी एम साइनोमेगा टी मिल जाएगा तो सेम है आप किसी भी एक डायोड का एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं लेकिन आपका टारगेट वी डायोड निकालने का नहीं है आपका टारगेट है वी डायोड डीसी निकालने का तो अगर आप डी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वन अपॉन टू पाई देन देखिए आपको लिमिट्स यहां ब्रेक करनी होगी जीरो से पाई तक जीरो है आप ले लीजिए सीधा सीधा पाई से टू पाई क्योंकि जीरो से पाई तक तो जीरो ही है लिखने की जरूरत नहीं है हमें तो टू वी एम साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी तो अगर आप यहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो टू और टू कैंसल वी एम अपॉन पाई आपका आउटसाइड हो जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी क्योंकि आप ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं देन लिमिट हो जाएगी आपकी पाई से टू पाई ठीक है तो यहां पर जैसे ही आप माइनस साइन आउटसाइड लेंगे तो अपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं कॉस ओमेगा टी में तो लिमिट ध्यान रखिएगा ओमेगा टी की है टी की लिमिट नहीं है ये तो कॉस टू पाई कॉस टू पाई कितना होता है वन देन कॉस पाई कॉस पाई होता है माइनस वन तो लोअर लिमिट के कारण माइनस और एक और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पाई तो ये आपका आ गया है डीसी डायोड वोल्टेज क्लियर हो गया अच्छे से तो ये कंसेप्ट भी आपका बिल्कुल सेम था जैसा आपने हाफवेक्टिव फार्म में स्टडी कर रखा है नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर टेन टेन में अब हमें कैलकुलेशन करना है नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज का ठीक है तो नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज दैट मींस वी डी सी एन एल ठीक है सेम कंसेप्ट होगा जैसा हमने हाफ एयर रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया हुआ है तो यहां पर मैं फिर से फिगर बना लेता हूं जितनी रिक्वायरमेंट है हमें तो डायोड D1 और अगेन आपका सेंटर टेप्ड वाइंडिंग ग्राउंड और यहां पर अब आपका हो जाएगा डायोड D2 और यहां पर देखिए ये जो आपका सर्किट है इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे और लास्ट में आपको पता है क्या आएगा आपका आर और जो आर है आपका आर क्या होगा इन्फिनिटी नो लोड का मतलब ही यही है कि आर क्या होगा आपका ओपन सर्किट तो यहां पर आप आर को ओपन सर्किट कर देंगे क्लियर अच्छे से अब देखिए यहां पर आप शो कर दीजिए प्लस माइनस वी डायोड डीसी ठीक है नाउ अब आपका टारगेट क्या है अब आपका टारगेट है वी डी सी एन निकालने का वी डी सी एन है क्या नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज तो निकालना तो आपको आर के अक्रॉस ही है और आरएल आपने क्या ले लिया है ओपन सर्किट मतलब आपने इंफिनिटी ले लिया है तो आपको उसी के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज निकालना है देखिए आउटपुट वोल्टेज हमेशा लोड के अक्रॉस ही आप निकालेंगे क्लियर सो so, यहां पर अगर आप केवीएल अप्लाई करें तो आपको ऐसा लूप चूज करना होगा कि वी डी सी एन एल भी आपका इंक्लूड हो जाए और आपको ध्यान रखना होगा कि आप डीसी आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं डीसी निकाल रहे हैं इसका मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी ठीक है ना वो तो आपकी कंप्लीटली क्या है एसी है तो उसमें तो आपको कोई भी डीसी वोल्टेज मिलेगा नहीं ठीक है तो चूंकि आप डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डायोड का वी डायोड डीसी लेना होगा और साथ ही साथ वी डी सी एन एल तो देखिए अगर आप इस पाथ को चूज करते हैं ये अगर आपका पाथ हो जाए दिस पाथ तो यहां से आपको दोनों की दोनों चीजें मिल जाएंगी क्लियर है ग्राउंड से लेकर ग्राउंड तक तो यहां पर आप देखिए प्लस वी डायोड डीसी प्लस वी डी सी एन एल तो यहां पर आप केवीएल लगा दीजिए प्लस वी डायोडीसी प्लस वी डी सी एन एल इज इक्वल टू जीरो जो आपका वी डी सी एन एल है वो आ जाएगा माइनस वी डायोडीसी तो आंसर क्या हो जाएगा टू वी एम अपॉन पाई तो यहां पर ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा वी डी सी एन एल का क्लियर नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर इलेवन पॉइंट नंबर इलेवन में आपको कैलकुलेट करना है फुल लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज का तो इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम होगा जैसा हमने हाफ वे और हाफवेर में स्टडी कर रखा है वी ठीक है तो अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर देखिए वी वीडीसी फुल लोड का मतलब क्या है वी वीडीसी फुल लोड का मतलब ये है कि अब आप आर एल को इंक्लूड करने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये जो आपका फिगर है जो लास्ट फिगर आपने बनाया है यहां पर जो आपने आर एल इन्फिनिटी लिया है अब आपका आर एल इन्फिनिटी नहीं होगा और आर को आप इंक्लूड करेंगे और इसी के अक्रॉस आप निकालेंगे VDC, FL. तो देखिए अगर आप डीसी वोल्टेज की बात करते हैं तो लोड से जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी होती है लोड से आपकी करंट फ्लो होती है आई ठीक है जब आर एल रहेगा ओपन सर्किट रहेगा तो आई डी सी जीरो हो जाएगी अदरवाइज अगर आर एल प्रेजेंट होगा तो जो लोड से जो करंट फ्लो होता है उसके कारण आपको वीडीसी फुल लोड की वैल्यू क्या मिलेगी आई डी सी इंटू आर एल ठीक है तो एक फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं जैसा आपने प्रेजेंट तो हो आप। होने पर ही होती है अदरवाइज आपकी आईडीसी जीरो थी ठीक है मतलब डीसी करंट आपकी कंप्लीटली जीरो थी जब आपका आर एल ओपन सर्किट था लेकिन अब तो आपकी आईडीसी फ्लो हो रही है और आईडीसी फ्लो हो रही है इसका मतलब जो आपके इंटरनल ड्रॉप होंगे सर्किट में वो भी आपको इंक्लूड करने होंगे तो यहां पर आप आंसर और क्या लिख सकते हैं, हैं? देखिए यहां, यहां पर सिर्फ वी डायसी लिया था और लिया था जो इंटरनल ड्रॉप हो रहे थे जो आपके आई डी सी के कारण हो सकते थे वो आपने इंक्लूड नहीं किए थे क्योंकि आई डी सी जीरो था लेकिन अब जो आपके नॉन आइडियल रजिस्टर्स हैं, रजिस्टेंस वैल्यू है जैसे का, value, RSW, यहाँ पर आप 2 लेंगे, उसका रीजन क्या है तो आप आर एस डब्ल्यू बाई टू लेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग का रजिस्टेंस उसी तरीके से जो नॉन आइडियल रजिस्टर होगा आपका डायोड का आर एफ ठीक है ना फॉरवर्ड केस पे जो रजिस्टर होता है डायोड का आर एफ वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा जिसके कारण से आपका जो टू वी एम अपॉन पाई जो आपको मैक्सिमम मिल रहा था क्योंकि आई डी सी फ्लो नहीं हो रही थी अब इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण इसमें कुछ कमी आएगी तो जो वी डी सी फुल लोड है आपका जब लोड प्रेजेंट होगा तो आप क्या करेंगे जो लास्ट फॉर्मला है उसे एज इट इज लिखेंगे नो no लोड के केस में और अब आपका चूंकि IDC प्रेजेंट है तो जो भी नॉन आइडियल रेजिस्टेंस है उनके कारण आपको ड्रॉप मिलेगा तो एक तो है आपका आर एस डब्ल्यू बाई टू ठीक है ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि आपको सेकेंडरी वाइंडिंग का हाफ रजिस्टर ही लेना है और साथ ही साथ जो आपका सेकेंड है वो कितना हो जाएगा क्लियर सो so, यहां पर जो फुल लोड है उसके लिए आपके पास दो फॉर्मुलेज हैं आप दोनों में से कोई भी फॉर्मुला यहां पर यूज कर सकते हैं लेकिन अगेन ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा कि जो वी डी सी फुल लोड है वो वीडीसी नो लोड से ऑलवेज क्या होगा आपका लेस ही होगा नाउ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर ट्वेल्व अब VDC फुल लोड और VDC नो no लोड निकालने के बाद अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेगुलेशन फैक्टर का जैसा हमने हाफ वे और में भी कैलकुलेशन किया हुआ है तो रेगुलेशन फैक्टर आपका क्या होता है तो रेगुलेशन फैक्टर या परसेंटेज रेगुलेशन ये आपका होता है VDC नो लोड माइनस वी डी सी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी डी सी फुल लोड इनटू हंड्रेड ठीक है तो यहां पर अगर आप देखेंगे परसेंटेज रेगुलेशन तो देखिए वीडीसी नो लोड का तो एक ही फॉर्मूला था आपके पास टू वी अपॉन पाई लेकिन वीडीसी फुल लोड के दो फॉर्मूले हैं या तो आप चाहें तो आई डी सी लिख सकते हैं या तो आप चाहें तो टू वी अपॉन पाई माइनस आई डी सी लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए चूंकि ऊपर आपने टू अपॉन पाई लिख रखा है तो अगर आप टू वी एम पाई वाला फॉर्मुला लिखेंगे तो कैंसिलेशन होने में बहुत आसानी होगी तो इसलिए ऐसा फॉर्मुला लिखिए न्यूमरेटर में जिससे आपको कैंसिलेशन में आसानी मिले तो आपका फॉर्मुला क्या लिखेंगे आप टू वी फिर माइनस आई डी सी आर एस डब्ल्यू बाई टू प्लस आर एफ ठीक है नाउ आप देखिए जब आप टू वी एम अपॉन पाई टू वी एम अपॉन पाई कैंसिल कर देंगे तो उसके बाद क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस आई डी सी इंटू इंटरनल रजिस्टर तो अगर आप वीडीसी वैल्यू अब आई डी सी इंटू आर एल रखेंगे तो आई डी सी आई डी सी भी कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आप रखिए आई डी सी इंटू आर एल ठीक है तो इस तरीके से अगर आप स्मार्ट तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला आपको मिल पाएगा ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं आई डी सी आई डी सी कैंसल तो जो फॉर्मूला आपको निकलकर मिलेगा वो मिलेगा परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आर एस डब्ल्यू बाई टू प्लस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एल इंटू हंड्रेड परसेंट अगेन अगर आप बिल्कुल आइडियल केस कंसीडर करेंगे तो आइडियल केस में आपको पता ही है कि ये जो सारे नॉन आइडियल रेजिस्टेंस है दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक इंडक्टर है इंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है लॉस जीरो होता है बट नॉन आइडियल केस फॉरवर्ड नहीं मिलना चाहिए तो दोनों जीरो हो जाएंगे आर एस डब्ल्यू और आर एफ जिसके कारण से परसेंटेज रेगुलेशन आपका कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से आप परसेंटेज रेगुलेशन यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर हमने 12 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं फुल वेक्टिव फायर के रिमेनिंग जो सिक्स टू सेवन पॉइंट्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं थैंक यू